जे सरकार को नहीं कोई तरीका रेवन्यू का सरकार मैनू दसे मैं दस ये भी अयाश राजा ही आ मुख्यमंत्री दे लायक नहीं आ कुर्सी दे लायक ही नहीं आ ठेका इन्हां दे माफिया दे कोल ही ठेका हैगा होर साडे कोल ते ठेका है नहीं किसी आम बंदे नूं ठेका ते मिलदा नहीं कांग्रेस की सरकार आ ते अकालियां दा राज आ दोनों फ्रेंडली मैच खेड रहे ड्रामेबाज आ सिद्धू एक शक्के शक्के करी जांदा मैं कहिंदा इहनूं सिंगल भी नहीं मिलना पहला कैप्टन नहीं सी लभदा हुण सिद्धू भी नहीं लभदा उहनूं लभीए कित्थों मिलदा नहीं तुहाडे माध्यम नूं सुना दिंदे आ कि इत्थे पहुंच जाओ सिद्धू एक तोता वा कांग्रेस हाईकमान का तोता तुहाडा मीडिया सवाल करदा नो कमेंट्स करदा और सरकार दे मुंह ते एक चपेड़ आ उहदे नक्क ते हेठ सारा कुछ हो रहा जिहड़ा लाइब्रेरी शब्द आ स्कोच लाइब्रेरी ये शब्द नूं इत्थों हटाया जाए जे ना हटाया गया असीं 10 दिन का टाइम दिंदे आ ये इत्थों दे प्रशासन नूं नहीं ते असीं बड़ी वड्डी पद्धर ते दा प्रोटेस्ट करांगे जय हिंद जय भारत दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला ये जो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी ये स्कॉच लाइब्रेरी है शायद देश की पहली स्कॉच लाइब्रेरी हो या हो सकता है कि ब्रांचें भी हों अगर ऐसी और भी कहीं शहरों में ब्रांच है तो कम से कम ऐसे ब्रांच बनाने वालों को या ऐसे नाम रखने वालों को ये सोच लेना चाहिए कि लाइब्रेरी हमेशा किताबों को ही हम जानते हैं तो लाइब्रेरी और ये हाथ में पापा जी ने पियो शराब मैनू लै दो एक किताब तो आप देख सकते हैं लेकिन जब लाइब्रेरी खुलने लगी और किताबें फिर हाथ में हैं या नहीं हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग इंसाफ पार्टी के लिए हैं तो लोग के लिए ये क्या इंसाफ दिलाएंगे क्यों यहाँ पे खड़े हैं इन्हें लाइब्रेरी शब्द से मुझे भी एक मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे हर इंसान को लाइब्रेरी मतलब हम ये कभी नहीं कहते थे अब तो लोग कहेंगे आओ चले लाइब्रेरी तो पढ़ने जाएंगे या शराब लेने जाएंगे तो लाइब्रेरी कौन सी हो फिलहाल हम तो लाइब्रेरी के रूप में अभी तक पुस्तकालय ही जानते हैं हम आपसे कहते हैं लाइब्रेरी मतलब आपको जब लाइब्रेरी कोई बुलाता हो तो क्या समझ में आता है अमृतसर दे विच मैं टोन हाल स्कूल में पढ़िया उत्थे लागे कारपोरेशन का दफ्तर सी ते कारपोरेशन दफ्तर दे विच पहले समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल जी नहरू उन्होंने पिता जी मोती लाल नहरू लाइब्रेरी होंदी सी कारपोरेशन ने खोली असीं उह स्कूल दे विचों निकलना अद्धी छुट्टी वेले तां लाइब्रेरी विच जा पढ़ना कि उत्थे जाके असीं वेखणा कि शहीदां दीआं किताबां जिन्हां ने हिंदुस्तान की आजादी दे विच शहीदां ने शहीदियां पईआं फांसी दे रस्से चुम्मे ऐ शहीद ऊधम सिंह वर्गे शहीद मदन लाल ढींगरा वर्गे उन्हां दीआं किताबां लै के पढ़नियां गुरुआं पीरां दीआं किताबां लै के पढ़नियां जदों भी तुहाडे दिमाग में लाइब्रेरी का नाम आएगा तुहाडे दिमाग में होगा कि किताबां की लाइब्रेरी है इत्थों तुहानूं किताबां मिल जाणगियां कोई कॉलेज की लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी कारपोरेशन की लाइब्रेरी पर जिंदगी का पहला रिकॉर्ड है मेरा ख्याल शायद सारे हिंदुस्तान दे विच ही ना होवे कि जिहड़ी एक स्कोच लाइब्रेरी खुल गई है तकरीबन सैकड़े वारी इत्थों लंघीदा आईदा जाईदा पर कभी ध्यान नहीं पिया पिया गौर नहीं किया तो सरदार सुखजिंदर सिंह जी जिहड़े इन्हां ने मैनूं कल फोन किया कि एक स्कोच लाइब्रेरी है मैं सरदार सुखजिंदर सिंह नूं कहा कि सरदार सुखजिंदर सिंह तुहानूं भुलेखा लगन दिया स्कोच कोई वाइन शॉप ते हो सकदी है लाइब्रेरी दा की मतलब होया कहिंदा जी मैनूं इसे गल दा इतराज़ है पर असीं भी सरकार दे अगे एक कड़ा इतराज़ जताउंदे हां कि जिहड़ा सानूं इह वाइन शॉप दा कोई इतराज़ नहीं हैगा सानूं इतराज़ हैगा लाइब्रेरी शब्द तों कृपा करके ये जिहड़ा लाइब्रेरी शब्द आ स्कोच लाइब्रेरी ये शब्द नूं इत्थों हटाया जाए जे ना हटाया गया असीं 10 दिन का टाइम दिंदे हां ये इत्थों दे प्रशासन नूं नहीं तो असीं बड़ी वड्डी पद्धर ते इहदा प्रोटेस्ट करांगे डीसी साहब नूं बकायदा इहदा मैमोरेंडम दे के जिहड़ा लाइब्रेरी शब्द है वह हटाया जाए सानू सिर्फ इसे लफ्ज़ तों इतराज़ है नहीं तो सैकड़े ठेके खुले है यह वेखो सामने भी ठेका शराब का इधर भी है सानू कोई इतराज़ नहीं लाइब्रेरी शब्द तो सानू इतराज़ है ये कृपा करके ये शब्द जिहड़ा खत्म किया जाए धन्यवाद जी ये मांग किसके आगे रखी है आपने असी अज सरदार सुखजिंदर सिंह जी ने दसिया असी अपने तौर पर प्रोटेस्ट करने आए हैं तो तुहानू कष्ट तुहाडे माध्यम राही लाइव भारत जिहड़ा तुहाडा ये चैनल है उहदे माध्यम राही ही प्रशासन नूं अपील करदे आ कि डीसी साहब इस पासे फौरन तौर पर ध्यान दिता जाए ये जिहड़ा लाइब्रेरी शब्द है इहनूं खत्म किया जाए सानू कोई इतराज़ नहीं गा मैं पहला भी बेनती कर चुका जिहड़ी वाइन शॉप है शराब का ठेका ये शराब का ठेका
इन्हू सानू इस लफ्जे का कोई इतराज नहीं, सानू इतराज मतलब शराब बिके खूब बिके जितनी मर्जी बिके इतराज नहीं है, लेकिन नाम से तो नाम से मुझे भी इतराज है एक सभी को ना, क्योंकि लाइब्रेरी मतलब क्योंकि लाइब्रेरी का बुजुर्गों से और बचपन से मैं समझता हूँ लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं सभी का बचपन गुजरता है, आपका भी बचपन लाइब्रेरी में गुजरा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार का एक स्लोगन आ के पापा जी ना पियो शराब मैनू लै दो एक किताब, सरकार चाहती है नशा खत्म हो जाए, सरकार का एक स्लोगन आ, और उस स्लोगन के दिन एक पापा ने शराब छड़ दी, वो किताब लैन गया तो फिर उसनू फिर अगे शराब मिल गई। असीं सरकार तो सवाल करते हाँ कि तुसीं लोकां नू शराबी अमली बनाउणा चाहुंदे जे, तुसीं कोई होर रेवेन्यू का तरीका नहीं लभ सकदी सरकार, जे सरकार को नहीं कोई तरीका रेवेन्यू का सरकार मैनू दसे मैं दस दूंगा सरकार। पंजा महीने सर, हले हले अभी हम केवल नाम पर ही अड़े हैं, शराब तो हर जगह बिक रही है, शराब हर जगह, ठीक है, तो वो अब हम यहाँ क्यों आए, तो हम यहाँ केवल आए हैं कि नाम को लेकर शराब, ठीक है। दूसरी बात, अगर शराब की बात करो, शराब अगर सरकारी हो जाए तो 52,000 करोड़ रुपया सरकार को फ़ायदा होगा, 52,000 करोड़ का, तो सरकार सरकारी क्यों नहीं होता, यहाँ शराब सरकारी क्यों नहीं होती, सस्ती भी हो जाए, क्यों नहीं करती सरकार, आप लोक इंसाफ पार्टी के हैं ना, लोक इंसाफ करो लोगों के लिए, कराओ ना, बताइए सरकार अपने हाथ में ले। साड़ी पार्टी के प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह बैस हर मुद्दे नू बड़ी बेखूबी दे नाल लोक विधानसभा दे विच भी चुकते हैं ते बाहर भी, असी पूरा जोर वहाँ पे मुद्दे उठाते रहते हैं, यहाँ पे FIR होती रहती है, रेप के आरोप लगते हैं, FIR हो जाती है, ये क्या चक्कर है आपके, बैंस को क्या बात है, कौन सी बांसुरी बजाती है सरकार की, बैंस के खिलाफ कोई ना कोई FIR हो जाती है, आपका प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आदमी जदों ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਰੇਪ ਕਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਆਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਤੇ ਝੂਠੇ ਲਗਾਨੇ, ਤੋ ਰੇਪ ਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIR ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, FIR ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, FIR ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, FIR ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਨਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਗੀ ਕੈਨਸਲ, ਹੋਗੀ ਕੈਨਸਲ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, FIR कैंसिल हो या ना हो, लेकिन ये नाम कैंसिल कब होगा, लाइब्रेरी की बात करते हैं तो आप इसके बारे में प्रोटेस्ट करने के साथ साथ आप डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में आप दे दें कि हमें हमारी भावनाओं को ये ठेस पहुंचाता है, इसलिए या तो इस पर मामला FIR भी दर्ज हो सकती है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला अगर हम होर्डिंग लगा दें तो FIR दर्ज होती है ना, तो भावनाओं के ठेस पहुँचाने में मुकदमा भी दर्ज होता है, तो खैर आप सभी की लड़ाई एक ऐसी ही है कि इनका नाम जो है लाइब्रेरी हटा दिया जाए, यही मांग है, लाइब्रेरी नाम हटा दिया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, और एक हमारी और भी डिमांड है कि सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि शराब की जगह कोई और रेवेन्यू का तरीका ढूंढना चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। सर तो जो जिन मंत्रियों के या जिन MLOs के शराब के ठेके हैं उनके वो उनके कितने लोगों के ठेके हैं और कितने लोगों हिस्सेदार हैं, आधे सरकार के तो खास कम खासा हैं, सरकार के तो खासम खास शराब बेच रही है, आपके तो खास नहीं है, आपके खास हैं जो शराब बेच रहे हैं, किसके खास है बता दीजिए आप, सरकार दे खास आप, बिल्कुल सरकार दे खास आप, तो फिर सरकार के खास है तो सरकार को बोलिए ना सीधा, कैप्टन को शराब तो कहीं ना कहीं राजा है ना, तो अब राजा के प्रजा में कितनी शराब बांटी जाए, इसका कभी कोटेशन CM ने मांगा कैप्टन ने कि पंजाब में कोटेशन मांगा हो कि कितनी शराब हमारे पंजाबी पी जाते हैं, कोटेशन मांगा कभी CM ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, राजा तो साडा आयाश आ, राजा तो साडा राजा नहीं अयाश राजा वा, राजा 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 अयाश होते हैं, राजा अयाश होते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक राजा अयाश होते हैं, राजा अयाश होते हैं, बिल्कुल अयाश होते हैं राजा, ये भी वो अयाश राजा ही आ, ये मुख्यमंत्री दे लायक नहीं आ, ये कुर्सी दे लायक ही नहीं आ पंजाब, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री से लायक हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमृतसर श्री गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहिब में अगर ऐसी लाइब्रेरी खुलने लगे और वो भी श्री हरमंदर साहब को जाने वाले एकमात्र रास्ते पर, बिल्कुल उसके एकमात्र रास्ता जो श्री हरमंदर साहब को जाता है, जलियांवाला बाग को जाता है, लाखों टूरिस्ट जब दिल्ली से आते हैं तो कहीं ना कहीं इधर से ही जाते हैं, क्योंकि इधर से ही पुल बना है, पुल सीधा वहीं जाता है श्री हरमंदर साहब के बिल्कुल नीचे, ठेका वहाँ पे सरकार ने बहुत अपने चहेते को दे रखा है, बाकी पुल कोई खास बात नहीं है, जनता के करोड़ों रुपए लगे हैं और उस पुल का उपयोग और पैसा कौन खा रहा है भगवान जाने, वैसे पुल जो उतरा है ना, अब बातों बात में अब बात ही हो जाए,
ये जो पुल उतरा है श्री हरिमंदर साहब के बगल में जो नीचे जाता है, पार्किंग बना दी है, आम हमारे अपने शहरवासियों को कोई फायदा है उस पुल से? करोड़ों रुपया लगा सरकार का उस चीज़ का, बिल्कुल वो भी माफिया ने बनाया सिस्टम, कोई फायदा नहीं। सरकार का पैसा लगा, सरकार लोगों की होंगी आ, लोगों का पैसा लगा। ठेका किसके पास? ठेका इन्हों के माफिया के कोई ठेका है, और साढ़े को ठेका है नहीं, किसी आम बंद ठेका तो मिलता नहीं। कोई भी बंदा उस पुल के उपर जाता उन्होंने पार्किंग 40 रुपए 60 रुपए पार्किंग देनी पैंती है। वो पुल का आम आदमी कोई फायदा नहीं आ। वो पुल किसकी सरकार किसका राज? अकालिया की सरकार, कांग्रेस की सरकार आ, तो अकालिया का राज आ। दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे, अकाली दल और सिद्धू। इंट्री सिद्धू एक ड्रामेबाज आ, सिद्धू एक शक्के करी जाता, मैं कहना इन सिंगल भी नहीं मिलना, सिद्धू को सिर्फ रौला वा, सिद्धू को और कुछ नहीं है। सिद्धू ने 2004 सिद्धू आए, 17 साल में सिद्धू ने क्या दिया आप बताइए? सिद्धू ने 17 साल में क्या दिया? 17 साल में सिद्धू ने कुछ भी पंजाब नू, सिद्धू दी एक अमृतसर की बात कर लीजिए आप, अमृतसर नू कोई देर नहीं सिद्धू दी अमृतसर। यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब, यहाँ पे स्पोर्ट्स खुलना था, यहाँ पे कम्प्लेक्स बनाना था इन्होंने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे जमीन ले ली थी, बना ही नहीं। सब मिली भुगत चल रही है, कोई पब्लिक वास्ते कोई चीज नहीं। सिद्धू ने क्या दिया शहर को? 17 साल में सिद्धू ने शहर को क्या दिया? हमारे यहाँ तो सर कुछ नहीं, अभी जो भी पहली बात तो ये जो लिखा हुआ ना ये चेंज होना चाहिए बस, ये चेंज होना चाहिए। चलिए हम सिद्धू की बात कर लें, सिद्धू ने क्या दिया 17 सालों में? पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के लाइब्रेरी उनके इलाके में खुल गई है। फीता भी किसी ने काटा होगा, फीता भी किसी। एमएलए कौन है यहाँ के? सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू एमएलए यहाँ से। अच्छा, यहाँ सिद्धू एमएलए। इस हल्के दे विच बिल्कुल नहीं होंदे, बिल्कुल उन्होंने सर हल्के कोई ताल्लुकात नहीं। अब एमएलए साहब को बोलो कि आपके इलाके में खुल गए, आप चिट्ठी आप उनको फोन करें। सिद्धू सिद्धू एक मुख्यमंत्री कैप्टन वाला साहब आ, पहला कैप्टन नहीं सी लभदा, हुण सिद्धू भी नहीं लभदा, उन्होंने लभी है कितों? मिलता नहीं, ताडे माध्यम में सुना दें कि इतने पहुँच जाओ। अच्छा एक गल पंजाबी दसो, सिद्धू जदों प्रधान बने आ ना कौ ना कुछ बोले आ, ना बादल परिवार वाल बोले आ, ना कुछ बोले आ, ते ना ही कैप्टन बारे उन्होंने कुछ बोलिया, चुप ही हो रहे ने, बस उही गल्लां करदे ने कि बस 2022 आया करां वह करां, ते जिहड़े उन्हें मंगा रखियां वह मंगा पूरियां हो जाणियां पंजाब इलैक्शन तो पहलां? बिल्कुल नहीं पूरियां होणी जी। सिद्धू एक तोता वा, कांग्रेस हाईकमांड का तोता, प्रशांत किशोर का तोता। पहला प्रशांत किशोर ने उन्होंने बोलिया कि कैप्टन के खिलाफ बोल, फिर बोलिया, अज जदों उन्होंने प्रधान बना दिता हुण बिल्कुल कुछ नहीं। जदों भी तुहाडा मीडिया सवाल करता नो कमेंट्स करता, वह प्रशांत किशोर का तोता वा, हाईकमांड का तोता। जो उन्होंने हाईकमांड बोलेगा फिर वह जवाब देगा, फिर वह कुछ बोलेगा, और उस दे नाल कोई पंजाब का सुधार नहीं होना। हुण बोल रहा 1831 सरकार का एजेंडा। लाइब्रेरी पर बात शुरू हुई और हम आपको बताएं इतिहास बताने लगे, लाइब्रेरी पर बात शुरू हुई थी, हम इतिहास बताने लगे। सिद्धू का भी इतिहास है और हाथ में पहुँचते हैं पापा जी ना पियो शराब मैनू लै दो एक किताब, पंजाब सरकार का स्लोगन है। तो अब आ जाए हैं स्कॉच लाइब्रेरी में के बाहर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे लाइब्रेरी के खिलाफ? आपने भी फतवा जारी कर दिया। मेरा नाम सरजू दीक्षित है जी, और मैं हलका ईस्ट का इंचार्ज हूँ लोक इंसाफ पार्टी से। लोक इंसाफ पार्टी द्वारा मैं हलका ईस्ट का इंचार्ज लगाया गया है सिमरजीत सिंह बैंस साहब की अगवाई च और सरदार अमरीक सिंह वरपाल साहब की रहनुमाई हेठ। असी अज इतने इकट्ठे होंगे, साडा मेन मकसद यह है कि प्रशासन को हरकत में लियाना, प्रशासन को असी दसना चाहते हैं DO साहब केवल तुसी तनखा लैन वास्ते नहीं इतने तुहानू बिठाया, कम से कम देखो है की हो रहा है। लाइब्रेरी का मतलब होंगे वा कि बच्चों जागरूक करने वास्ते एक पुस्तकों का बैंक बनाया जाए जिते बैठ के वो अपनी पढ़ाई करन अते अपने दिमाग नू होर तेज बनाण अते पढ़ लिख के साडे अमृतसर नी पंजाब नी इंडिया लैवल दे उपर जिहड़ा वा वर्ल्ड लैवल दे उपर साडे हिंदुस्तान दा नाम रोशन करन। बिल्कुल सही बात है, नाम रोशन करन। और हम आपको बता दें कि उस लाइब्रेरी खुलने लगी है शराब की, लाइब्रेरी खुलने लगी है शराब की। अब आप देख सकते हैं ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, तो जब लाइब्रेरी खुलने लगे और समाज किधर जाएगा? लाइब्रेरी का नाम अगर यूज़ होता है तो गुरु रामदास की बसाई है, पवित्र नगरी है, तो आप यहाँ पर ऐसे नामों की, यहाँ पर तो एक बार बात ये भी उठी थी कि
कि यहाँ पे पूरी तरह से शराब बंदी हो जाए अमृतसर में, मतलब नॉन वेज का काम खत्म कर दिया जाए, शराब बंद हो जाए, तो ऐसा और भी तो शहर है तो अमृतसर क्यों नहीं, यहाँ पे पूरी तरह शराब बंदी हो, यहाँ पूरा तरफ से यहाँ पे नॉन वेज ना बिके, शराब ना बिके, ऐसी मांग क्यों नहीं करता कोई। गुरु रामदास जी की नगरी है, रूहानियत का केंद्र आ गोल्डन टैंपल हरिमंदर साहब, उत्थे कोई भी आदमी किसी भी धर्म का आदमी उत्थे चला जाए किन्नी भी टेंशन होवे अंदर जाके दूर हो जाती है, रूहानियत का केंद्र आ, और उस शहर नू ड्राई सिटी करना चाहिए सरकार नू, पर ड्राई सिटी करन दी जगह ते सरकार लाइब्रेरियां खोल ली है शराब दियां, ये बहुत ही शर्म की गल आ, और सरकार के मूँह ते एक चपेड़ आ, उहदे नक ते हेठ सारा कुछ हो रहा, सरकार की मिली भुगतना हो रहा, असी डीसी साहब नू ये चेतावनी देने कि डीसी साहब इहदा संज्ञान लैके इहदे उपर कार्रवाई करो। डीसी साहब संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हम मैं बताऊँ कि अपने आप ने अपनी हट्टी का नाम कुछ भी रख दिया तो इसमें डीसी साहब की क्या कसूर, या रजिस्ट्रेशन आपने शराब की कराई होगी, किस नाम से कराई है, इस नाम से जिस नाम से कराई हो आपने रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन हो गई हो फिर तो गलत बात है, क्यों तभी टोकना चाहिए। एसडीएम साहब डीसी साहब की जिम्मेदारी है वो देखने के रजिस्ट्रेशन कितों हुई है, किन्ने रजिस्ट्रेशन की वो उपर भी कार्रवाई होवे, जे नहीं रजिस्ट्रेशन हुई फिर दुकान वाले उपर कार्रवाई होवे, रजिस्ट्रेशन क्यों हुई नहीं हुई, आपका दिल टूटा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा साड़ियाँ भावनावान आहत हुई हैं, भावनाएं आहत हुई हैं, तो यहाँ पे भले ही गिनती कम है, मान लो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने नाम ना बदला, तो फिर असी वड्डा संघर्ष करांगे, डीसी साहब का ऑफिस घेर के बैठांगे अणमिथे समय वास्ते। चलिए बड़ा संघर्ष हो सकता है, और बात है स्कॉच लाइब्रेरी की, तो गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर में बिल्कुल श्री हरिमंदर साहब जाने वाले रास्ते में अब खुल गई है स्कॉच लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या है आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पे चंद लोग हैं, लोक इंसाफ पार्टी के यहाँ पे हैं जुड़े लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्होंने मांग करते हैं, 10 दिन का अल्टीमेटम भी देते हैं कि अगर ये नाम ना बदला तो घेराव करेंगे डिप्टी कमिश्नर के घर का, तो ये बड़ा सवाल कि ऐसे नाम क्यों रखते हैं जिससे किसी के दिल की भावनाएँ आहत हों। तो बात है शराब बेचने की बात नहीं है, बात है नाम को लेकर, नाम है स्कॉच लाइब्रेरी को, लेकिन सड़क के उस पार भी एक ठेका है, तो ठेकों की कहानी हम बताते हैं कि यह जहाँ पे खुला है इसके बगल में भी एक शराब का ठेका है। अभी किसी एक गाड़ी इस तरफ आई है, जन्नत सेक्टरी लिखा हुआ, आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन यहाँ पे स्कॉच लाइब्रेरी, तो स्कॉच लाइब्रेरी के नाम को लेकर आपत्ति है, तो लाइव भारत ने अपना कर्तव्य निभाया और स्कॉच लाइब्रेरी के अंदर जाकर पूछा मालिक कौन है, मालिक तो नहीं पता चले, लेकिन वहाँ पे एक सज्जन मिले, उस सज्जन ने कहा कि नाम बदल दिया गया है, कहता नाम बदल दिया गया है, अब चारों लाइब्रेरी बदलवाने पड़ेंगे, तो पैसा दिया है, लाखों का बोर्ड है, तो बदलते टाइम लगेगा, तो फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरी नाम सुन के ही जा, क्योंकि होर्डिंग बोर्ड हो या बोर्ड अखबार में खबर छप जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर होर्डिंग में कोई कुछ लिख जाए तो वो अलग बात है, क्योंकि होर्डिंग में हम लगाते हैं तो सीधा जनता के लिए लगाते हैं, तो जनता में जो जाए गलत संदेश, ऐसा होर्डिंग लगाने पर FIR भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि किसी के भावनाओं को आहत करना कानूनी तौर पे जुर्म है, तो लाइब्रेरी शब्द है फिलहाल। लाइव भारत से इसी जिस शख्स से बात हुई ऑनर के तौर पे, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था, पता नहीं किस कंट्री का नाम लिया, उस कंट्री में मैंने पढ़ा देखा था तो मैंने भी ये खोल लिया, इस नाम से और भी ब्रांचें हैं, तो फिलहाल नाम बदल गया है, लेकिन नाम बदले या ना बदले, कब बदले ये मैं नहीं जानता, लेकिन इंसान इतना बदल गया है कि लाइब्रेरी अब शराब की बनने लगी है, नाम में क्या रखा है, शराब जितनी मर्जी बेचो लेकिन कम से कम नाम तो, ऐसे नामों का दुरुपयोग, ये दुरुपयोग वाली बात है, लाइब्रेरी मतलब किताबों से भरी वो लाइब्रेरी जिसमें हम सभी की यादें हैं। तो ये थे लोक इंसाफ पार्टी के साथ विभाग बातचीत, हमने हर मुद्दे पर बातचीत की और सरकार को लेकर हमने बातचीत की, और सबसे बड़ी बात है कि आगे पवित्र नगरी अमृतसर में ये हो क्या रहा है, लाइब्रेरी खुलने लगी अब शराब की। जय हिंद जय भारत।